बात सुनो मेरी। हमजा मेरा हाथ छोड़ो। मैंने सोचा था कि तुम दोनों शर्म के मारे डूब के मर गए होंगे, लेकिन तुम दोनों में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। जुबान संभाल के बात करो हमजा। तुम तो मुझसे कहती थी कि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं कबीर के साथ, हैं? तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो फिर ये शादी क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुमने सब झूठ बोला ना मुझसे। अगर तुम्हें मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था, फिर क्यों अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखा मुझे? जवाब दो। मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, और तुम्हें वजाहतें देने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें पता है एक वक्त ऐसा आया था कि मैं वाकई सोच रहा था कि मैं गलत, तुम्हारे बारे में मुझे भी गलत फहमी हुई कि तुम्हारा कबीर के साथ कोई अफेयर नहीं, जो कुछ तुम मुझे बोल रही हो वो सब सच। लेकिन जब मैंने तुम्हारी और कबीर की शादी की खबर सुनी, मुझे यकीन आ तुम्हारा हर लफ्ज हर कसम सब झूठ। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी आंखें सही वक्त पे खुल गई, तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई। न जाने मेरा क्या होता, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता। एक तरफ मैं हमजा आशिम, और दूसरी तरफ मेरी होने वाली बीवी और उसका ये किरदार। नो, शुक्र तो मैं करती हूँ हमजा कि मेरी शादी तुम जैसे शख्स से नहीं हुई, वरना मैं क्या पूरी जिंदगी ऐसी सूली पे गुजार लेती। किसी ने आगे तुम्हें कुछ कह दिया मेरे बारे में, तुमने यकीन कर लिया, फिर क्या होता मेरा, कहाँ जाती मैं? तो शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। पता है मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि जोड़ियाँ आसमान में बनती, कि इंसान को हमेशा अपने जैसा लाइफ पार्टनर मिलता है। हाँ डेफिनेटली शुरू में तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन कबीर की शक्ल में उस तकलीफ का अजाला भी हुआ था। तुम और फलक, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो पूरी तरह से। ये जो एतमाद है ना तुम, ये सब छीन लूंगा तुमसे। तुम ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं कर पाओ, मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि तुम्हें मजबूर होकर ये प्रोजेक्ट खुद ही छोड़ना पड़े। तुम दोनों की जो बची कुची इज्जत है ना, वो मिट्टी में मिल जाए। बस उसी वक्त का इंतजार है मुझे। मैं जानती थी तो वो ही इतने कमजोर, तुमसे किसी की तरक्की उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है कि तुम कितनी तकलीफ में हो, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके रखूंगी इंशाल्लाह।